बेहद गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, ना केवल मैं बल्कि मेरा पूरा जो ऑल वेमेन कंटिजेंट है, जो महिला कंटिजेंट था, उन सभी में आज एक गर्व की भावना है कि उन्होंने इतिहास में, असम राइफल के इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। पहली बार, जो कि भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, उसमें महिला कंटिजेंट फील्ड किया गया। मेरे पिताजी एक बस कंडक्टर थे, लेकिन मुझे गर्व महसूस होता है आज, क्योंकि आज मेरे पिताजी का भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया है कि उनकी बेटी असम राइफल के इतिहास में पहली महिला कंटिजेंट कमांडर बनी। और ये मेरी तरफ से एक डेडिकेशन है उनको, एक मेरी तरफ से भेंट है उनके उनके संघर्ष को, उनके उन्होंने जो भी संघर्ष के दिन देखे हैं, वो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है अपने पिताजी को। वुमेन इन असम राइफल, दे वर इंडक्टेड इन टू द फोल्ड्स ऑफ द फोर्स 3 years बैक, एंड सिंस देन देर इज़ नो लुकिंग बैक। दे आर ऑलरेडी इन टू कॉम्बैट रोल्स, दे आर बींग डिप्लॉयड इन काउंटर इंसर्जेंसी एरियाज, दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व at operations in CI area, be it Manipur or Nagaland. They are being deployed at the Indo-Myanmar border, at all the crossing points. They are being deployed for joint patrols, for end collection, and at all the check posts. Women are into Indian Army since 1992. So it would be wrong to say that Army is little hesitant in taking up women as their counterparts. We are already there into the force since 1992. There is no shortcut to success. Work hard, and if you fail, work harder. Don't complain. Don't be a loser. Don't complain. Work harder to achieve the success.